कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? व्हाई डू यू पुट सच पीपल इन चैनल? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ देर दिए, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा लाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे बताइए। जयपुर में उद्योग और सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर कुछ इसी अंदाज में पुलिस अफसरों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस वालों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल वो शिप्रापत थाने में फौज के कमांडो को कपड़े उतारकर पीटे जाने से नाराज थे। घटना की जानकारी मिलते ही राठौर शिप्रापत थाने पहुंच गए और मौके पर मौजूद अफसरों की जमकर क्लास लगाई। कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? व्हाई डू यू पुट सच पीपल इन चैनल? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ देर दिए, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा लाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे बताइए। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही सेना के कमांडो अरविंद अपने किसी परिचित के केस के सिलसिले में जानकारी लेने के लिए शिप्रापत थाने गए थे, जहां थाने में पुलिस वालों ने उनके साथ पहले तो ठीक से व्यवहार नहीं किया, फिर जब उन्होंने खुद के सेना में होने का परिचय दिया तो एसआई और पुलिस वालों ने उनके हवालात में कपड़े उतरवाकर जमकर पिटाई भी की। आरोप के मुताबिक पुलिस वालों ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने ये कहा कि पुलिस सेना की बाप है। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में, क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था। मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया, तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थाना अधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है, तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए, मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया, और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मी को बुलाया और मुझे निमस्तर करके पहले तो मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया, और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी, और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोल रहे थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बन्नालाल जी और उनकी टीम ने जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सस्पेंड किए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में तैनात कमांडो अरविंद ने जब मामले की शिकायत राज्यवर्धन सिंह राठौर तक पहुंचाई तो वो भी आग बबूला हो गए और थाने में जाकर पुलिस वालों पर फट पड़े। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया? कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? व्हाई डू यू पुट सच पीपल इन चैनल? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ दिक्कत नहीं है, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, अरे कहा लाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा। फोन आते मेरे को गाली दे रहे थे फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे।
बिल्कुल मेरे को गाली दी है। गजराज सिंह नाम का उसको गाली दे, गजराज सिंह जी वो रिकॉर्डिंग में संजय जी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किसके बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप वहाँ किसके बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, वो गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई, इसी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? मैं यहाँ बहुत धैर्य से लग रहा हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ये तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहें, और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाइए। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा था, मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, अरे कहां बाढ़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी, इसको नंगा करके पुलिस सेना में। फिलहाल मामले में आरोपी पुलिस वालों पर सख्त एक्शन की मांग की गई है और होनी भी चाहिए। भारतीय सेना और हमारे जवानों पर हमें गर्व है, और जवानों के साथ अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। जिन पुलिस वालों ने फौजी को पीटा है उन्होंने अपनी हदों को पार किया है, शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं कि भारतीय सेना के जवान किन परिस्थितियों और हालातों में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मन की गोलियां खाने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे जवानों के साथ नाकारा पुलिस वालों की ये करतूत हम सभी को शर्मसार करने वाली है। आरोपी पुलिस वालों पर ऐसा एक्शन होना चाहिए जो एक नजीर बने। वैसे ही पुलिस पर आए दिन घूसखोरी और बेईमानी के धब्बे लगते रहे हैं, और अब चंद पुलिस वालों ने सेना के जवान के साथ ये अमानवीय हरकत करके वर्दी पर एक कलंक लगा दिया है, और इस कलंक को देखकर अगर राज्यवर्धन सिंह राठौर का खून खौल रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है, आई नो ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहां बाढ़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।